गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो गाइस, आज मैं आया हूँ सारनाथ मंदिर, बनारस के एक प्रमुख मंदिरों में से एक, बनारस के सारनाथ मंदिर में। ये रहा QR कोड, इससे टिकट बुक कर लेंगे हम। टिकट बुक इससे भी हो जाता है, तो बताते हैं आपको टिकट कैसे बुक करें। दिखाते हैं, ये देखो टिकट वगैरह इसी से बुक होता है। QR कोड को स्कैन करो और सीधा इंस्टेंट बुक कर लो। गाइज, ये हमने टिकट बुक करवा लिया ऑनलाइन QR कोड को स्कैन करके। QR कोड को स्कैन करके डायरेक्ट नहीं होता है टिकट, ये उस पर एक लिंक आता है इसका, और लिंक आने के बाद बहुत प्रोसेस है। नाम दो, ईमेल आईडी दो, फ़ोन नंबर दो और आईडी प्रूफ दो, तब होगा। स्कैन करके ये फाइनली हमारा टिकट आ गया। दो टिकट है, एक मामा का है, एक मेरा है। ये देखो, बहुत ही लंबा प्रोसेस है गाइज। तो हम चलते हैं अंदर, एंट्री करते हैं। ये देखो एंट्री गेट, स्तूप है, बुद्ध जी का उपदेश वाला जगह। दो लोग ये नीचे रख दो, खाना पीना अंदर अलाउ नहीं है। वो हम तो रेफर गिरेगा नहीं, ये गारंटी नहीं। आप ये तो दूसरे कंप्लेंट कर देगा जी, दूसरा कंप्लेंट कर देगा। गाइस, ये देख सकते हो ईंटे मेरे पीछे, देख सकते हो ये खुदाई के वक्त मिला हुआ था। ये देखो, खुदाई हुआ था तो मिला हुआ था खुदाई के वक्त, और इसको कुछ मरम्मत भी किया गया। खुदाई के वक्त मिला था ये, और इसको कुछ मरम्मत भी कर दिया गया। ये देख सकते हो गाइस, ये देखो गाइस, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो वो धमेक स्तूप है, जिसको 1026 में बनाया गया था। काफ़ी पुराना स्तूप है ये, ये देख सकते हो स्तूप। इसको अर्थ भी किया गया है, बिजली करकती है ना, तो उसको अर्थ भी किया गया है कि इस पे ना गिरे बिजली। और ये बाकी ये देख लो, वहाँ लिखा भी हुआ है स्तूप के बारे में कुछ, धमेक स्तूप है ये। हाय, हाउ आर यू? वेयर आर यू फ्रॉम? कनाडा। कनाडा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन टेम्पल? ओके, थैंक यू गाइज। ये मेरे पीछे देख सकते हो अशोक स्तंभ, ये देखो ये अशोक स्तंभ है, इसको शीशा से कवर कर दिया गया है। ये देख सकते हो, ये देखो गाइस, ये देखो दो तीन है अशोक स्तंभ। गाइस, हम अब जा रहे हैं बाहर, सब कुछ देख लिया हमने, कुछ खास नहीं था, यही सब जो आपने देखा व्लॉग में। ये देखो पीछे जो दिख रहा है वही सब है, कुछ खास नहीं है। हम अब जाते हैं बाहर। गाइस, अभी हम आ गए हैं श्री दिगंबर जैन टेंपल में, ये देख सकते हो, इसके अंदर अब जाते हैं हम। ये देखो गाइस, ये रहा श्री दिगंबर जैन टेंपल, इसके अंदर जाते हैं हम। अभी हम जा रहे हैं, अभी देखते हैं जैन टेंपल है। कहाँ से रास्ता है? यहाँ से पता नहीं, देखते हैं अब जाके। बंद है, लग रहा है कि बंद है गाइस। आगे से होगा शायद, उधर से होगा, उधर से भी रास्ता है। गाइस, ये रहा मंदिर, ये देखो श्री दिगंबर जैन मंदिर, यही है, ये एक जैन मंदिर है। गाइस, ये देख लो श्री दिगंबर जैन मंदिर, यही है, लेकिन इसका गेट क्लोज है, अभी गेट बंद है, आना व्यर्थ हो गया यार। ये देख सकते हो, ये आसपास का नज़ारा, ये स्तूप रहा, ये बहुत बड़ा सा स्तूप, और इसके बगल में मंदिर। ये देखो मंदिर, वैसे अच्छा है, जैन टेम्पल दिखने में अच्छा दिखता है यार। ये देखो, बाकी हम चलते हैं अभी, और कुछ क्या देखना है देखते हैं। गाइस, ये है भगवान बुद्ध का असली मंदिर, ये देख सकते हो, यहाँ का
जहाँ पे ये ज्ञान बांट रहे हैं 5 शिष्यों के साथ अपने। गाइस ये यही मंदिर है भगवान बुद्ध का, ये देख सकते हो, यही मेन मंदिर है यहाँ का। तो अंदर जाएंगे अभी, जूते वूते हमने निकाल दिया है यहाँ जो स्टैंड पे रखना होता है, और जाते हैं अंदर हम। पता नहीं कैमरा ये सब मोबाइल ये सब अलाउड है कि नहीं, वैसे हम अंदर जाते हैं अभी। गाइस ये देख सकते हो भगवान बुद्ध को, ये देखो भगवान बुद्ध, बुद्ध भगवान पहले जब उनको ज्ञान हुआ। हमने दर्शन वगैरह सब कर लिया, आपने देखा ही ये बाकी मस्त मंदिर है। गाइस ये देख सकते हो पीपल का वृक्ष, और उसके आगे भगवान बुद्ध ज्ञान का बंटवारा कर रहे हैं अपने छात्र के साथ। ये देखो ये रहा धर्म चक्र परिवर्तन सूता, ये देख सकते हो ये पीपल वृक्ष के आगे भगवान बुद्ध ज्ञान बांट रहे हैं अपने छात्रों के साथ। ये हम इसको नचाते हैं, ये इसको घुमाया जाता है, ये देखो से ये सब घूम आ रहे हैं। गाइस हम इधर आ गए हैं, यहाँ इस मंदिर में भगवान बुद्ध का बड़ा स्टैचू को लगाया गया है, तो अंदर चलते हैं हम देखते हैं। ये देखो भाई तो दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये देखो यार, ये देखो इतना बड़ा मूर्ति यार, वाव। ये 80 फीट का मूर्ति दिखाई जो दे रहा है आपको भगवान बुद्ध का, और 9 इंचेज इनका हाइट है।